हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्वेल्थ की जो मार्किंग स्कीम है वो कैसी है, मतलब आप लोगों को परसेंटेज कैसे मिलेंगे। चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट रहो या रिपीटर रहो या रेगुलर वाले बच्चे रहो, सभी लोगों को किस तरीके से परसेंटेज ट्वेल्थ का दिया जाएगा। सारे बच्चों को गवर्नमेंट ने, अपने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किस तरीके के रूल्स बना रखे हैं, तो सिंपल वे में आपको एकदम आसानी से छोटी सी वीडियो में फटाफट समझा दूंगा। वैसे सर्कुलर तो बहुत बड़ा आया है एंड गाइज आई एम टू लेट बिकॉज मैं और कामों में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जिस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ। और मैं बीच में विलेज भी चला गया था, तो आप सबको मैंने दिखाया भी था, तो गाँव में था, इस वजह से वीडियोज एक भी आ नहीं पाई, वहां पर नेटवर्क का इशू रहता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यस गाइज अभी एकदम बैक दोबारा आ चुका हूँ। सो सारी स्टार्ट होंगी, अभी बहुत सारी चीजें और भी न्यू आएंगी कुछ दिनों में। सो सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप सबका सपोर्ट बना रहे। आप सब लोगों के लिए ही लगा हूं और क्या ही है, ठीक है। सो आप सबका बस सपोर्ट बना रहे, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज गाइस आपको बता देता हूं कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम आपको यहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी और किस तरीके से आपका यहां पे फायदा होगा और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस मार्किंग स्कीम के, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताता हूं फटाफट। हेलो एवरीवन, अगर गाइस आप सब क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में हो, या फिर अगर आप लोगों को CET या फिर NEET या JEE IIT की प्रिपरेशन करनी है, तो गाइस आप नून एकेडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस बहुत सारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए कोर्सेज के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करा सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सबका एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आ रहा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर नए नए क्रैश कोर्सेस लाए गए हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो, बहुत सी आपकी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी जाएंगी। गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि MST CET के साथ साथ आप लोगों को लाइव सेशंस होता है, प्लस आप लोगों को PDF फॉर्मेट में सारी की सारी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे आपको नून अकेडमी के अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोग को नून एकेडमी को डाउनलोड करने की, तो वहां से आप लोग को ऐप को डाउनलोड करके साइन इन करके रजिस्टर कर लेना है एंड देन ज्वाइन कर लेना है इस हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी को, जो कि सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं भी आपको CET के क्लास 11th, 12th, 9th, 10th के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस जल्दी जल्दी फटाफट जाओ और डाउनलोड करो नून ऐप को, और मिलते हैं लेक्चर्स में। देखो यार, मैं आप सबको बता दूं कि जो 12th का मार्किंग स्कीम है 12th वालों का, ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे साइंस वाले बच्चों की सभी की बात करूंगा जो साइंस में स्टूडेंट थे। देखो 12th का क्या रूल हुआ करता था कि आपको 100% जो मिलते हैं उसमें से जो 70% होता है, 70% और 30%, इस तरीके से सिस्टम हुआ करता है। जो 30 है ये हमारा होता है प्रैक्टिकल का, ये क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल का, ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिकल्स के होते हैं। और जो 70 है ये हमारा रिटर्न पेपर होता है, जो थियरी का रिटर्न पेपर होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, जो साइंस वाले बंदे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ एंड नथिंग, ठीक है। और बाकी के जो बायफोकल वाले यानी कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनकी भी बात करूंगा, उनको भी बता दूंगा। प्राइवेट एंड रिपीटर हैं उनकी भी बात करूंगा। सो किसी को टेंशन नहीं लेना, शॉर्ट में फटाफट समझा दूंगा, एकदम तरीके से आपको समझ जाएगा, ठीक है। देखो अब जो ये 70% है, यानी कि जो 70 मार्क्स की आपकी जो थियरी होती है, लाइक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की, मैथ्स की, तो फिलहाल 80 मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का, ठीक है, तो इसका भी बता दूंगा। बाकी सभी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो है, इनका 70 मार्क्स का थियरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता है, आप सबको ये पता होगा। और मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। किस तरीके से आपको ये मार्क्स मिलेंगे, चलो आपको समझाता हूं। देखो आप सबका 10th का परसेंटेज, आप सबका 11th का परसेंटेज, आप सबका 12th का परसेंटेज, इस तरीके से मिलाया जाएगा। अब आप बोलोगे 12th का क्या है, मैं सब समझाता हूं। देखो किस लिए, आपको पता है ये 70 मार्क्स देने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से 80 मार्क्स को भी देने के लिए, दोनों के लिए यहां पे रहने वाला है, 70 मार्क्स वालों के लिए भी और 80 मार्क्स वालों के लिए भी, दोनों के लिए होने वाला है। अब देखो 10th से क्या करेंगे, 30% आपको मार्क्स देंगे 10th से निकालेंगे, 11th से भी आपको 30% मार्क्स निकालेंगे एंड 12th से आप लोगों को 40% मार्क्स निकालेंगे एंड देन 70 वालों को 70 देंगे, 80 वालों को 80 में से देंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे निकालेंगे, देखो आपको समझाता हूं। 10th का एक रूल है, आप बोलोगे 10th में से तो हमारे को मतलब बहुत कम मार्क्स मिले थे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा रूल बनाया है। 10th वालों के लिए 3 सबसे बेस्ट सब्जेक्ट चूज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहाँ पे साइंस, मैथ्स एंड
सपोज इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स मिले थे, तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को चूज करेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट मान लो 300 मार्क्स का था, 300 मार्क्स का, इसमें से आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 250 आ गया, तो ये 250 में का 30% निकालेंगे। मतलब कैसे, 250 इंटू 30 अपॉन 100, ये 30% निकल जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और ये जो भी आएगा वो इस पूरे परसेंट का 30% होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, टेंथ के तीन सब्जेक्ट जो सबसे बेस्ट थे उसका 30% निकालेंगे और वही 30% आपका मार्क्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां से 28% मिल गया, 28 मार्क्स आपको मिल गया, ये चूज हो गया, फिर 11th में से इसी तरीके से आपका 30% निकालेंगे। कौन सा 11th में से, जो लास्ट सेमेस्टर में आपके जो भी परसेंटेज आ रहे होंगे तो उसी में का आपको 30% वहां से भी सेम तरीके से निकाला जाएगा, बट यहां पे पूरा 11th का माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10th जैसे तीन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होगा। और 12th के लिए ये 40% है। तो ये क्या चीज है भाई, तो ये जानते हो क्या चीज है, ये ना जैसे कि अगर मान लो आपने 11th में कुछ आपकी गड़बड़ी थी तो अपना 12th में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रीलियम का एक भी पेपर आपने 12th में नहीं दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग ने पेपर दिया ही होगा, चाहे जो भी हो जाए आप सबने पेपर दिया ही दिया होगा, गारंटीड आपने पेपर सबको दिया ही दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी आपने कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज दी होगी, कुछ ना कुछ आपने पेपर सबमिट किया होगा, या फिर कहीं कहीं गांव जैसे साइड में वहां पे कॉलेजेस भी चलती थी, ऐसा नहीं कॉलेज बंद थी, ऑनलाइन टीचर ने पढ़ाया, व्हाट्सएप के थ्रू टीचर ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा, आपने उनको कुछ ना कुछ तो सबमिट किया ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक पेपर तो होमवर्क करके दिए रहोगे ना यार, ठीक है। तो उसमें से आपको 40% देंगे, ये पूरे मार्क्स टीचर के हाथ में है, आपका फेस देख के टीचर पूरा मार्क्स देगा। तो इसमें से कुछ मार्क्स निकालेंगे, इसमें से कुछ मार्क्स निकालेंगे और फिर आपको 70 दे देंगे। मतलब जैसे कि अगर मान लो 70 मार्क्स है तो कैसे देंगे, ये पहले 10th से 30% निकालेंगे, फिर यहां से 30% निकालेंगे और यहां से 40% निकालेंगे, इस तरीके से कुछ कुछ तो आपको मिलेगा ना, और इनका 30% टोटल निकाल के आपको यहाँ पे 70 दे दिया जाएगा, ये आपके 70 हो गए, समझा। और बाकी के जो बचे ये 30%, ये तो बाकी है ना, ये तो प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का मार्क्स तो आपको मिलने ही वाला है। आपको पता है कितना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने वाला है, आप जितना डिजर्व भी नहीं करते थे ना 12th में, वो उतना मार्क्स आपको 12th में मिलेगा, बहुत ज्यादा बूस्टअप। ये 40% बूस्टअप ही तो है और इधर ये 30% प्रैक्टिकल का बूस्ट आपका मार्क्स कर रहा है। मतलब अगर आप खुद जहां पे, मुझे ऐसा लगता है कि जहां आपको 50% आना चाहिए था वहां पे आपको फोकट का 60% आ जाएगा 12th में, बिलीव ऑन मी, सच कह रहा हूं, क्योंकि ये 30% में से आपको 26 तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। मतलब अच्छे टीचर्स तो फोकट में 28 दे देते हैं, तो ये 100 में से 28 आपके फिक्स है। इस 70% वाले को यहां से चूज किया जाएगा, 10th से 30%, फिर 11th से 30 या फिर 12th से 40%, ऐसा मिला के आपको मार्क्स दिया जाएगा, इस हिसाब से आपको समझ के चलना है। तो ये कितना बेस्ट तरीका है, आपको पता भी है, और सेम तरीके से 80 वालों को भी, 80% वालों को भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, 30% निकालेंगे, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। तो बस ये सो सिंपल एकदम बहुत अच्छा सा तरीका है और इसी तरीके से आपको सारे के सारे मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि सबसे बढ़िया सा तरीका है। सेम 80 वालों को, सेम बायफोकल वालों को भी, बायफोकल वालों को 80 मार्क्स का रिटर्न होता है और 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो कितना फायदा है बायफोकल वालों को, देखो मैं बताता हूँ। देखो बायफोकल वालों का 200 मार्क्स का कोई कोई पेपर हुआ करता है, बायफोकल मतलब जिसका कंप्यूटर साइंस होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस वालों की फीस भले ज्यादा होती है लेकिन इनके जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा ज्यादा आते हैं। जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे आई थिंक 84-85 मिले थे, बट मेरे फ्रेंड जो बायफोकल यानी कंप्यूटर साइंस लेके रखे थे 12th में, उनके 4-5% अपने आप ज्यादा थे। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। देखो बायफोकल में बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होती है और हिंदी होती है, ये दोनों को मिला करके हिंदी और बायोलॉजी को एक ही सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हुआ करता है, जो कि अकेले ही 200 मार्क्स का होता है। और ये जो 200 मार्क्स है ना, ये 200 मार्क्स का रूल होता है कि 120 मार्क्स प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स पेपर। तो 80 मार्क्स में से बच्चे ने कम भी लाया तो 120 मार्क्स तो प्रैक्टिकल है, जो कि टीचर के हाथ में होता है, तो टीचर तो सबको 120 में से 120-115 कुछ तो देगा ही देगा, है ना। इतना तो ये कभी निकाल भी नहीं पाएंगे, ये तो 120 इनको ऐसे ही मिल गया, समझ रहे हो। तो अब देखो, तो ये 120 मार्क्स आपके फिक्स हैं, ये आपके फिक्स हैं, टीचर आपको देगा ही देगा, लेकिन ये 80 में से अगेन यही रूल चालू होगा, समझा। तो 10th के तीन सबसे बेस्ट सब्जेक्ट के 30% मार्क्स, 11th के 30% मार्क्स, जो भी आपका परसेंटेज 11th में रहा होगा, और 12th के 40% में से जो भी आप, ये तो हाथ में टीचर के हाथ में, आपने प्रैक्टिकल कुछ असाइनमेंट, कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ ना कुछ सेमेस्टर प्रीलियम, कुछ ना कुछ तो कॉलेज में दिया ही होगा, ये पक्का रहता है। तो उसी में से आपको ये 12th के 40% मिल जाएंगे। तो ये सारा रूल है आपको परसेंटेज देने का।
अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे तरीके से कि क्या सिस्टम है सारा का सारा। तो सिस्टम गाइज ये होने वाला है रिपीटर्स वालों के लिए। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिपीटर्स वालों के लिए क्या होगा। देखो रिपीटर्स वालों के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सा, या फिर जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट सिस्टम में है, मतलब जो प्राइवेट वाले हैं, तो मोस्टली सबके लिए सेम ही है। देखो 100 मार्क्स का पेपर जो होता है ना, 100 मार्क्स का पेपर, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, सीधा सीधा बात है, 50% और 50%, इस तरीके से आपको मार्क्स देंगे, 50-50% करके मार्क्स दिया जाएगा, 50% आपको 10th से और 50% 12th से, मतलब यहाँ 11th का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये 50% जो है आपका, ये हमारा कहाँ से रहेगा, ये मोस्टली 10th से रहने वाला है, मतलब 10th वाले स्टैंडर्ड से, और जो ये 50% है ये आपका 12th से माना जाएगा, मतलब सीधी सी बात है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 10th में मान लो आपको 90% मिला था, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 45 माना जाएगा, तो ये हो गया आपके 45, और 50% 12th में, तो मान लो आपने यहाँ पे 20 निकाल लिए, तो 45 प्लस 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 65% आपको 12th में बनेंगे, रिपीटर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मार्क्स बनने वाले हैं, जिसे आपको अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा, और आपने ये समझ भी लिया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये रिपीटर्स प्राइवेट वालों के लिए हो गया इस तरीके से, और ये जो 50%, वैसे भी ये मार्क्स आपको जहां पे आपने प्राइवेट या रिपीटर्स हो बाबा, अगर आप लोग तो आपने कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन तो लिया ही रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो आपने 17 नंबर फॉर्म कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो वहां से आपको 50% दे दिए जाएंगे, सारे बच्चे पास होंगे। स्टेट बोर्ड ने कह दिया है कि सारे 12th और 10th के बच्चे सबके सब पास हो जाएंगे, ऐसा स्टेट बोर्ड ने कह दिया है, सारे बच्चे पास होने वाले हैं बिंदास तरीके से, सबके सब पास होंगे, जितने भी बच्चे सब पास होने वाले हैं, तो बिंदास रहो यार, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके सब यहाँ पे पास हो जाओगे, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो अब गाइज आप लोग को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने सब बता दिया है आसान तरीके से, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबको शेयर कर दो, और 10th वालों को तो मैंने पहले ही बता दिया था, और हाँ रही बात सीईटी के प्रिपरेशन की, उसके बैचेस आने वाली है और सब कुछ स्टार्ट होगा, सब सेटअप किया है, तो किस लिए किया है, तुम लोग को प्रोवाइड करने के लिए ही तो किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई शुरुआत करता है कोई इंसान, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं आज महीने भर से टैकल कर रहा हूं, और बस सब कुछ आप लोग के लिए होगा यार, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उन्हें फाइट कर रहा हूं, और मैं जीतूंगा उन प्रॉब्लमों से, और देन मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोग को बैचेस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं लेनी है, तुम सबके लोग के लिए सब कुछ आने वाला है, बस आप सबका सपोर्ट बना रहे, आप सबकी हेल्प बनी रहे, और इस वीडियो को आप जितना हो सके सभी अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, अगर सबको इन्फॉर्मेशन शॉर्ट तरीके से देनी होगी तो मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।